हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अस्सी और नब्बे के दशक में दूरदर्शन का अपना एक जलवा था। कई लोकप्रिय सीरियल्स और तमाम तरह के शोज देखकर कई पीढ़ियां बड़ी हुई हैं और अब उसी नाम से दूरदर्शन नाम से एक फिल्म आ रही है। जी हां, दूरदर्शन नाम से एक फिल्म आ रही है जिसमें माही गिल और मनु ऋषि मुख्य किरदार में नजर आएंगे। पति पत्नी के रोल में है दोनों। दोनों से हम बात करेंगे कि इस फिल्म का दूरदर्शन से क्या कनेक्शन है और क्या चक्कर है, ये पूरा माजरा क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। माही और मनु ऋषि, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। जानना चाहेंगे, बहुत ही अलग नाम है फिल्म का दूरदर्शन, और क्या कनेक्शन है इस फिल्म का दूरदर्शन से? एक दौर दिखाने की कोशिश है। माँ जो है मेरी, वो कुछ 25 साल से कोमा में है और उनको लगता है कि वो 25 साल से कोमा में नहीं है, कुछ एक आध हफ्ते या एक आध महीने से ही कोमा में है। उठती हैं और कहती हैं, अरे बड़े शरीर में दर्द हो रही है, चलो कुछ नहीं तो चाय बना ले, अच्छा टीवी चालू कर लें और बुनियाद दिखा दें। पर दौर जो है वो 2019 का है, जब हम साल बाद वो कोमा से जागती हैं। तो दौर जो है वो ये है और वो कहती हैं कि अरे वो वलैती राम जो आलोकनाथ का कैरेक्टर था वो मिला कि नहीं मिला, खो गया था, हमारे पास कोई जवाब नहीं है हम लोग वाला। जी हाँ, तो वो कि माँ को तकलीफ ना हो और माँ को कोई धक्का ना लगे कि वक्त इतना बदल गया है, उसके लिए एक बेटा उसकी तलाक दे रही है जो बीवी, वो कुछ बच्चे, अपने दोनों बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त दुश्मन सब मिलके वो दौर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एक माँ के लिए, इन अ फनी वे। फनी बन जाता है, सिचुएशन ऐसी है, वो कॉमेडी हो जाता है। माही, कुछ ऐसा दिखाया गया है फिल्म में कि आप अपने पति से तलाक लेना चाहती है लेकिन घर में जो एक बुढ़ी महिला है उनके चक्कर में आप लोगों को दोबारा शादी करनी पड़ती है और दोबारा हनीमून मनाने की पूरी कवायद दिखाई गई है, इसके बारे में क्या कहेंगी, इस कॉमेडी फिल्म के बारे में क्या कुछ बताएंगी? अरे मैं तो मजा आ गया फिर फिल्म करके, ऑनेस्टली बहुत एक अलग तरह का, जैसे कहते हैं ना, मैं वाकई में हटके कोई रोल किया है मैंने इस बार। सो यस, मैं तलाक मांग रही हूँ, ये मुझे तलाक नहीं दे रहे हैं, ये कहते हैं अगले हफ्ते आना, मैं कहती हूँ चंदा मांगने थोड़ी ना आई हूँ, तुम तलाक मांगने आई हूँ, दे दे मेरे को। बट किस तरह से हम लोग मिलते हैं और फिर हमारे को वापस सेकंड टाइम, वो पहला टेबल तलाक हुआ ना, दूसरी बार शादी वापस। क्योंकि माँ के लिए तो एक दौर है ना, माँ के लिए तो उनको लग रहा है कि अभी हम 12th में ही हैं, उनको लगता है कि कल को मुझे कुछ होना जाए तो वो शादी, रियल टाइम पे तो हम तलाक की बात हो रही है लेकिन माँ के अनुसार जो है उनका टाइम है उसमें वो कहती है कि शादी करो। तो हमें शादी भी करनी पड़ती है क्रिएशन के चक्कर में। तो फिर बहुत ही सुंदर डायलॉग भी है फिल्म में माही का, तो माही मेरे को बोलती है कि कहती है पता है कि डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? मैंने कहा क्या होता है? कहती है शादी। कहते हैं हम शादी ना करते ना हमारा डिवोर्स ही ना होता। एंड इट्स लाइक इट्स अ जोक बट बिल्कुल इमोशनली इसने बोला। एंड फिर उसके बाद वो बोलती है कि यार हम दोस्त ही नहीं है, हमें दोस्त बनना पड़ेगा क्योंकि हम एक ही स्कूल के दिखाएं तो हम उसी दोबारा शादी करने के बाद एक्चुअली रियलाइज करते हैं कि हमें फिर साथ रहना चाहिए। दोस्ती खत्म होना मीन्स आप मतलब दो शादी खत्म हो जाती है लेकिन दोस्ती सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शादी में, आई ऑल्सो पर्सनली फील, तो वो खत्म हो चुकी है हम लोगों की, तो वो है। माही, हमने आपको कई फिल्मों में देखा है, काफी इंटेंस किरदार आपने निभाए हैं पर्दे पर, देवड़ी में भी काफी इंटेंस किरदार था, बाकी कई फिल्मों में, कॉमेडी करना कितना ज्यादा आपके लिए एंजॉयबल था? हम वैसे ट्रेलर से देख सकते हैं कि काफी एंजॉय कर रहे हैं आप, और सबसे खूबसूरत मोमेंट लम्हा क्या था जब आप दोनों शूटिंग कर रहे थे इस फिल्म के लिए, या कोई यादगार लम्हा? मैं इसमें ऐसे बुफूनरी नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं शक्ल बना के बात करना, वो ऐसी कॉमेडी नहीं कर रही हूँ, जो सिचुएशन इस फिल्म में बहुत कॉमिकल है, मतलब कि जो सिचुएशंस आ जाती हैं तो उसमें लोगों को हंसी आएगी देखकर, ना यानी कि मैं कॉमेडी कर वो कर रही हूँ, लेकिन इट वाज वेरी सिंपल, मतलब जैसे हम बात करते हैं कि वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट द डायरेक्टर वांट्स, एंड प्लस मेरे लिए बहुत अच्छा था बिकॉज आई गॉट टू स्पीक द लैंग्वेज दैट आई नॉर्मली स्पीक, यू नो, तो एक वो जो पंजाबी लड़की, टिपिकल पंजाबी कैरेक्टर जैसे वो बात करते हैं, बिंदास तरीके से बात करते हैं, तो वो सब मैं कर रही थी। और हम लोगों ने ये इंजॉय बहुत किया कि जब भी हम सेट पर जाते थे, बिकॉज वो 80s का क्रिएट किया वो दौर था वो, तो
वहाँ बैठकर मैं मनु एंड डॉली मैम हम तीनों बैठ के बातें शुरू हो जाती थी. अच्छा मेरे घर में ऐसा होता था, मेरे घर में ऐसा होता था. तो मुझे पूरा नॉस्टैल्जिया है, वो पूरा वो हम बहुत एंजॉय करते थे. और एक दिन हुआ कि मुझे तो पता नहीं था, ये मुझे सच में पता नहीं था, क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि एक ये बाइक चलाती है यू नो, और फिर अचानक पता चला कि ये बुलेट चला रही है. इसने इसे थोड़ी प्रैक्टिस भी की शूटिंग, मुझे कुछ पता नहीं था. सेम डे जिस दिन पहुंचे उसने इसके पीछे बैठना था, तो मैं डरा हुआ हूँ और ये बुलेट चला रही है. कहती है मैं तो दूसरी बार चला रही हूँ और डर गया यू नो. आपको फिल्म के लिए कुछ भी करना है लेकिन टांगे तोड़वानी है, इसका पता नहीं था. बट शी हैंडल्ड बुलेट वेरी वेल. तो उसमें लेकिन वो जो दो घंटे हमने शूट किया बुलेट पे, क्योंकि माही को देखने के लिए ऑडियंस सॉरी जो पब्लिक है वो भी बहुत डिस्टर्ब करती है. तो और इसने कि मेरा गुस्सा जो है पब्लिक में निकालती है, हट जाके से क्या देख रहा कैमरा यू नो दैट वे. तो बड़ा व्यूवर होता था. तो कई लोग देखते थे फैन की तरह लेकिन डांट खा के चले जाते थे डोम पीछे. तो बहुत चीजें वो ब्लूबर्स में भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा. बड़ी अच्छी बात बोली थी वो, क्या था देवडी में साइकिल पर लेकर निकली थी गद्दा और दूरदर्शन में बुलेट के पीछे बैठाया है मनु ऋषि चड्ढा. एक सीन है जब आप गद्दा लेके खेत में जाती है. तो हमने सुना आपने सिर्फ दो दिन में ये बाइक बुलेट चलानी सीखी है, तो कितना मुश्किल था आपके लिए बुलेट सीखना? मैं एक्चुअली चंडीगढ़ से हूँ. छोटे शहरों में तो साइकिल चलाना कनेटिक होंडा होता था वो चलाती, तो बैलेंस करना तो आता ही था. लेकिन बुलेट क्योंकि हैवी होता है वेट उसका, तो वो थोड़ा सा था कि उसको हैंडल कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. बट इट वॉज वेरी इजी फॉर मी. पहले तो शुरू में ये पीछे बैठे थे, उसका वेट इनका वेट. पर मैं तो साथ रोक के बैठता था ना डर वाले. गिराया उराया इन्होंने? नहीं गिराया, बिल्कुल गिराया नहीं, वही था. फिर एक टाइम तो एक्शन के बाद तो फेथ ही है ना. अच्छा कैरेक्टर भी जो है बड़ा टेंस है, तो मैंने डर को टेंशन में मिक्स कर दिया, तो वो पता नहीं चल रहा. एक्चुअली मैं डर भी रहा था भाई माही है कुछ भी हो, पता चले कि माही ने टागी तोड़वा दी, अगले न्यूज तो ये छपनी थी. लेकिन बट आप मेरे को बैलेंस बहुत कर लेते. मेरे को बोलती थी अगर कुछ हो गया ऐसे तो फटाफट टागी नीचे रख देना. पर उसके बाद फिर आदत सी पड़ गई चलाने की, तो इंडिया गेट के पास अकेले ने घुमाया भाई, बड़ा मजा आया. अच्छा एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा कि 80 और 90 के दशक में दूरदर्शन का काफी जलवा हुआ करता था. 90 के दशक में सैटेलाइट चैनल्स आ गए और तो दूरदर्शन का जो प्रभाव है, सीरियल्स का प्रभाव, शोज का प्रभाव थोड़ा कम हो गया, लोग ज्यादा सैटेलाइट चैनल देखने लगे. लेकिन आप लोग किस तरह के शोज उस दौरान 80 के दशक में 90 के दशक में काफी पॉपुलर सीरियल्स, हम लोग, बुनियाद, महाभारत, रामायण, चित्रहार, छाया गीत, बहुत कुछ आता था, 1, 2, 3, 4. तो आप लोग कौन से सीरियल्स देखते थे और क्या कनेक्शन है दूरदर्शन के साथ, अगर रियल कोई कनेक्शन हो तो वो भी शेयर करें. सबके पास अपना एक अपना टाइम होता था पहले. तो चित्रहार मेरे लिए क्या, पापा के लिए, मेरे भाई के लिए, सबके लिए एक ही बार आना है. तो टाइम बांधे हुए थे, जो अपने चहेते शोज थे उसमें चित्रहार देखना ही देखना है. क्योंकि एक आता था वेनसडे को, एक आता था फ्राइडे को. वेनसडे को पुरानी फिल्मों के गाने आते थे जो हमारे पेरेंट्स को अच्छे लगते थे, तो वो कभी मिस भी कर देते थे तो कोई बात नहीं. लेकिन फ्राइडे को था कि कोई फिल्म रिलीज होने वाली है या अभी अभी हुई है, उनके गाने आते थे. तो एक तो वो नहीं छोड़ते थे. फिर जैसे जैसे हमारा एंटरटेनमेंट को लेकर एक होता है कि आप ग्रो कर रहे होते हो सब शोज देखते हुए, तो मुझे मेरी यादों में अब तक तमस कभी भी नहीं निकला. क्योंकि एक तो पार्टीशन हमारी फैमिली ने भी देखा था और ऊपर से भीष्म सानी से उन दिनों मिलना भी होता था कभी कभी किसी वजह से. तो मेरे मामा और सानी साहब ये सब एक ही शहर के थे पाकिस्तान की तरफ से, तो हम कभी मिल भी लेते तो बहुत ही इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते थे उसमें कि तमस आने वाला है. मेरे लिए तमस की यादें बहुत खूबसूरत है. टीवी की दुनिया का लैंडमार्क शो माना जाता है, गोविंद लाल का डायरेक्शन था काफी. मुझे आज लिखने में भी बहुत मदद करता है. मैंने एक फिल्म लिखी थी क्या दिल्ली का लाहौर, उसकी टोन मुझे आज तक नहीं भूली. बुनियाद ने और हेल्प किया यू नो. तो जब क्या दिल्ली क्या लाहौर में लिखने बैठा फिल्म को, स्पेशली डायलॉग्स लिखने बैठा, तो कैरेक्टर्स को क्रिएट ही ऐसा किया गया उस समय कि ये लोग इसी जुबान में बात करेंगे जो मेरे बुजुर्ग करते हैं यू नो. तो वो बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से क्रिएट करने में भी इतना मतलब लिटरेचर वो पूरा का पूरा हेल्पफुल है आज भी सिनेमेटिकली भी. मतलब गोविंद नैलानी साहब ने डायरेक्ट किया था, भीष्म सानी ने लिखा था, ओमपुरी थे, मतलब तो वो चीजें आप भूल नहीं सकते. और रियल लाइफ कनेक्शन दूरदर्शन के किसी शो में आप तो कहें? मेरे मामा FTI से एक्टर थे, फिर एक ऐसा समय आया जब एक्टिंग नहीं तो उन्होंने डायरेक्शन, तो ही वाज इन्वॉल्व विद दूरदर्शन एज अ डायरेक्टर.
तो बच्चों का एक शो आता था जिसमें बच्चे बैठते थे और कोई अच्छी बातें बोला करता था आदमी और जो भी गेस्ट होता था, तो कई शोज में हम उस भीड़ में बच्चों की तरह बैठते थे। तो कुछ कुछ जैसे मुझे लास्ट ये याद है कि सिप्सो दूध मिलता था और एक चॉकलेट मिलती थी और कुछ खाने के लिए वेफर्स और समोसे मिलते थे, तो हम चले जाते थे साथ में मामा के साथ, बस यही याद है मेरी। माही आप बताइए कि दूरदर्शन पे महिला सशक्तिकरण से लेकर भी को लेकर भी काफी सीरियल्स बने हैं, उड़ान की बात हो, शांति काफी लोकप्रिय हुआ था, स्वाभिमान भी आता था, कई सीरियल्स आया करते थे दूरदर्शन पे, आप किस तरह के शोज एंजॉय करती थी, क्या आप भी हम लोग बुनियाद नुक्कड़ ये सारे सीरियल्स देखती थी? मैं तो सबसे ज्यादा शिद्दत से देखती थी रुकावट के लिए खेत है, जो रुकावट के लिए खेद है लिखा आता था ना, मुझे वही बहुत खूबसूरत लगता था। और गाने डेफिनेटली चित्रहार रंगोली आता था संडेस को, मुझे वो सीरियल बहुत अच्छा लगता था, ये जो है जिंदगी, और एक वो आता था विक्रम और बेताल, विक्रम बेताल, और वो मालगुडी डेज, स्वामी देख बाई देख, रजनी, इवन नुक्कड़। तो आई थिंक सब शोज देखे हुए हैं, उनको बहुत एंजॉय किया। और मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि ये शोज काफी अहेड ऑफ द टाइम्स थे, अगर उस टाइम ऐसे शोज आते थे जो जिनमें क्या कहानी होती थी, इमोशन होता था, सब कुछ होता था उनमें, यू नो, तो वो हम इकट्ठा बैठ के देखते थे, बड़ा बहुत इंजॉय करते थे। और एक वो करमचंद किटी खानी गाजर, बख्शी भी आया करता था, कमाल देवर कमाल शोज। और सबसे खास बात उन दिनों की सीरियल्स की शोज की ये होती थी कि हफ्ते में एक दिन आता था और हम इंतजार करते थे, वेट करते थे, करेक्ट, एक छोड़ दिया जाता था कि अब क्या होगा आगे, तो उसमें बहुत मजेदार, सही टाइम पे घर पहुंचने की कोशिश होती थी कि अब शो शुरू होने वाला है। आप खुद देखिए ना क्या कमाल का, एक दूरदर्शन देखने के लिए एक पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता था, चैनल चेंज नहीं कर सकते थे आप, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते थे, ब्लैक एंड व्हाइट का भी दौर था, तो बहुत लोगों के घर में कलर टीवी नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल, हमारे घर तो टीवी भी नहीं होता था शुरू में, हम पड़ोसियों के घर जाते थे टीवी देखने। मैंने भी कई बार ऐसे पड़ोसियों के घर में झांक झांक के, बड़ा अच्छा डील था अपने पड़ोसियों से कि टेलीफोन हमारे पास है, टीवी आपके पास है, तो जो आपका कॉल आएगा ट्रंक कॉल वो हम देंगे और टीवी आप हमें देखने दोगे। चट्टा मारते थे टीवी को, चट्टा, कितना प्यार था यार। कभी कभी मैं माही सोचता हूँ कि टीवी आ रहा नहीं आ रहा, एंटीना हिला रहे हैं, आया कि नहीं आया, यू नो डायरेक्शन दे रहे हैं पूरा का पूरा, फिर उसके बाद गुस्सा था या हक था, एक थप्पड़ मारते थे टीवी को, वो ठीक हो जाता था। व्हाट वाज दैट, इट वाज मैजिक, और कोई साइंस थी आज तक समझ नहीं आया। इवन द रिपोर्टर्स हु यूज्ड टू रिपोर्ट ड्यूरिंग दोस टाइम, सलमा अपना सुल्तान, सलमा सुल्तान को जो यूज्ड टू वेयर अ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड ब्यूटीफुल, न्यूज भी तो कितने अच्छे से बताई जाती थी, समझाई जाती थी, दिखाई जाती थी, और अभी तो लड़ते ही रहते हैं यार टीवी के अंदर हम लोग सारे, मतलब ओपिनियन इतने हो गए हैं। पहले लोग सीखना चाहते थे, समझना चाहते थे, बहुत मुश्किल से ओपिनियन देते थे, लेकिन अब तो ओपिनियन ओरिएंटेड सोसाइटी बन चुकी है पूरी, हर जगह कहीं पे भी आप देखो, टीवी से जान छोड़ के यूट्यूब पे आ जाते हैं, मतलब कहीं कोई ऐसा तो है नहीं कि आप टीवी भी चाहिए, यूट्यूब पे भी चाहिए, और हम लोग भी कहीं पे भी ले जाते हैं हम उसको, मतलब टॉयलेट में भी ले गए तो देख रहे हैं न्यूज और लड़ रहे हैं, तो काफी शोर हो गया है अभी, ऐसा मुझे लगता है। बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि इस फिल्म दूरदर्शन के जरिए आप लोग बाकी जो भी दर्शक हों उन्हें दूरदर्शन की याद दिलाएं, उस सुनहरे दौर की याद जरूर दिलाएं। थैंक यू सो मच। 28 फरवरी को देखेगा दूरदर्शन, 28 फरवरी को देखेगा दूरदर्शन। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।